प्रातः मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल योग और नियोग पर। आप जानते हैं मेरा नाम मनोज मेहरा है और हम इस चैनल पर अपने आपको बताते हैं योग आसन और प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार हम विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में आज हम प्रारंभ करेंगे। यदि आपको आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो उस चश्मे को कैसे उतार के फेंके, कैसे उस चश्मे से छुटकारा पाए, क्या योग द्वारा यह संभव है, प्राणायाम द्वारा यह संभव है कि हम अपने आंखों की ज्योति, आंखों की रोशनी इतना बढ़ा लें कि हमें जो चश्मा लगा हुआ है काफी टाइम से, हम उसको उतार कर फेंक सके। हाँ दोस्तों, बिल्कुल यह संभव है, आप अपने चश्मे को उतार कर फेंक सकते हैं। बिल्कुल आपको चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप योग और प्राणायाम करते हैं। आपके पास अभी चश्मा नहीं लगा हुआ है तो आपको भविष्य में कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि आपको चश्मा लगा हुआ है तो लगातार आप 30 दिन तक भी प्राणायाम करना प्रारंभ कर दें, जो मैं आज आपको क्रियाएं बताने वाला हूं, तो आपका चश्मा हर हालत में उतर जाएगा। धीरे धीरे पहले आपका नंबर कम होगा, कितना ही आपका नंबर बढ़ा हुआ और धीरे धीरे नंबर कम होता जाएगा और उसके पश्चात फाइनली आपका चश्मा उतर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज वो तरीके जिसमें हम चश्मा उतारने की प्रैक्टिस करते हैं। चश्मा उतारने के लिए 3 स्टेप्स बताऊंगा मैं, एक कंधे की एक्सरसाइज बताऊंगा, एक गर्दन की एक्सरसाइज बताऊंगा और एक आंखों की एक्सरसाइज बताऊंगा। आप कह सकते हैं या कहेंगे या पूछेंगे सवाल के, ये कंधे और गर्दन की क्यों बता रहे हैं? आप इस चीज की प्रोसेस में कैसे जाएंगे ये आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रोसेस क्या है, लेकिन आप करने की विधि आसानी से समझ सकते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप इतना छोटी सी बात समझ लीजिए, कंधे, गर्दन और आंखों का एक दूसरे से ऐसा इंटर रिलेशन है कि मैं आपको जो कंधे और गर्दन की एक्सरसाइज आंखों के हेल्प के लिए बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छी वर्क करेगी। आप उस चीज को सिर्फ एक विश्वास से या मेरे कहने से कर देख लें, जब आपको होने लगे तो आप पक्का हो जाए, ना होने लगे कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप कोशिश करके देख लें। कुछ लगेगा नहीं, आपका पैसा नहीं जाएगा, कोई से आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, 15 मिनट खर्च करने हैं बस, नॉर्मली उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊं, एक छोटे सी बात बताना चाहता हूं आपको कि जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा इसके इंडिविजुअल वीडियो भी बने हुए हैं, कंधे की एक्सरसाइज का, गर्दन की एक्सरसाइज का और आंखों की एक्सरसाइज का, जो आप अलग से भी जाकर देख सकते हैं। मैं उसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको अगर आंखों की अपनी रोशनी बढ़ानी है, आंखों से अपना चश्मा उतार के फेंकना है, तो आपको कुछ ऐसी चीजों का खाने में स्टार्टिंग करनी पड़ेगी या अपने फूड में शामिल करना पड़ेगा, जिन चीजों में विटामिन ए होता है। विटामिन ए रिच चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए और खानी पड़ेगी तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ज्यादा जल्दी आपका चश्मा उतार कर फेंक दिया जा सकता है। जैसे गाजर, जैसे आंवला, आंवले के बारे में आपको मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आजकल आंवले का सीजन चल रहा है और आंवले का प्रयोग आप अपने दैनिक चर्या में बढ़ा दें। मतलब कहने का है, आप आंवले को कुक्ड करके ना खाएं, आप कच्चे आंवले को खाएं। और आंवला खाना थोड़ा सा दुष्कर कार्य होता है, हम एक आंवले को घसीट घसीट के खाते हैं, नमक लगा के खाते हैं, खाया नहीं जाता है। तो मैं उसके लिए आपको एक इजी मेथड बताता हूँ आंवले का, एक वीडियो भी बनाई है उसका भी लिंक दे दूंगा मैं आपको। उसमें आप क्या करें, आंवले को कस लें बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक कस लें आंवले को, जैसे हम कद्दूकस में कसते हैं, और जब वो बहुत बारीक हो जाए तो उसका रस निचोड़ लें। रस निचोड़ने के लिए आप नींबू निचोड़ने का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम नींबू की शिकंजी बनाते हुए नींबू का रस निचोड़ते हैं, ऐसे ही आप आंवले का रस निचोड़ सकते हैं। और जब वो रस निचोड़ लें आप उसको, तो उसके अंदर जितना आपने रस निकाला, स्टार्टिंग में आप 2 आंवले कस लें, धीरे धीरे आप 3 या 4 आंवले तक अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लें। अब जितना आपने रस निकाला उतना ही आपने इक्वल थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुना पानी उसमें मिला लें और उसको सुबह सुबह खाली पेट पी लें। ये आंवले का रस आपके पेट में जाएगा तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा करेगा, आपकी बॉडी में विटामिन ए बढ़ा देगा। विटामिन ए बढ़ने से आपकी आंखों की रोशनी जो है, आंखों की ज्योति जो है, अपने आप नेचुरली बढ़ने लगती है। और आंवला आंखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा बताया जाता है। तो आप आंवले का प्रयोग प्रारंभ कर दें आज से ही, और ये ना माने कि आंवला आंखों के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, आंवला आपके पूरी बॉडी के लिए बहुत हेल्पिंग चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और ये भगवान का दिया हुआ सबसे अच्छा फल है जिसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले का प्रयोग आज से ही आप शुरू कर दें।
पहली बात तो ही आप आंवले का प्रयोग करेंगे, दूसरी बात आपके विटामिन ए की अपने चीजें लेनी है, और दूसरा अपना तीसरी बात आपको खान पान बिल्कुल सुधार लेना है, अपने जंक फूड अवॉइड करने हैं, और चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देनी है, फ्रिज की चीजें बंद कर देनी है, और खाना खाने के बाद 1.5 घंटा आपने पानी पीना है, और जिस दिन से आप आंखों की एक्सरसाइज शुरू करें 3 दिन के लिए आपको थोड़ा सा अपना डाइट प्लान मेरे अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। आपने अपने भोजन के साथ सलाद या अनकुक्ड फूड लाइक खीरा ककड़ी प्याज टमाटर इन चीजों को थोड़ा सा आपने बढ़ा लेना है। जितना भोजन कर रहे हैं उसके अंदर 60% आपने ये अनकुक्ड फूड लगा लेना है। जिस भी टाइम आप भोजन करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो उससे पहले आपने 60% आपने अपनी डाइट का, जितना भी आप डाइट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी खाते हो थोड़ा कम खाया करें तो बहुत अच्छा है, अपने पेट से अपना थोड़ा कम खाया करें बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आपने उसे 60% रॉ मटेरियल शुरू कर लेना है, मींस अनकुक्ड फूड मींस सलाद सैलेड। तो ये आपने 3 दिन करना है, आप आगे भी करें कंटिन्यू लाइफ में तो बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन आपने स्टार्टिंग जब आंखों का चश्मा उतार के फेंकना है तो 3 दिन आपने ये प्रोसेस करनी करनी है, चाहे आप 10, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन करें। ये ना सोचें कि आपने डाइट चेंज कर ली तो आपको कोई वीकनेस आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी कोई बॉडी स्ट्रेंथ में कमी नहीं आने वाली है, लेकिन आपकी आंखों से चश्मा उतर के फेंक जाएगा, आपको जो आपके फेस पर अच्छा नहीं लगता है बार बार पढ़ने के लिए, दूर की नजर कमजोर होती है, पास की नजर कमजोर होती है, उसको हटाने के लिए आपको अपनी लेवल में लाने के लिए आंखों को चश्मा हटाने के लिए आपको बहुत हेल्प देने वाली है प्रोसेस। आप समझ रहे हैं आंवला हो गया, आपने फूड डाइट चेंज कर ली। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनसे आपको अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले कंधों की एक्सरसाइज बताता हूं मैं। अपने ऐसे अपनी उंगलियों को ऐसे करना है, कंधों पर रखना है और ऐसे घुमाना है श्वास भरते हुए, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और आगे से आपने कोहनियों को टच करते हुए ले जाना है, पूरा सर्किल घुमाना है आपने पूरा, यहां से आपकी साइडों में टच होंगी पसलियों में और आगे से कोहनियां टच होंगी, पूरा ऊपर तक फुल सर्किल लेना है आपने, और फिर इसको विपरीत डायरेक्शन में करना है, ये भी फुल सर्किल करना है, 10 बार आगे घुमाएंगे 10 बार पीछे घुमाएंगे, एक राउंड हो जाएगा ये, उसके पश्चात आपकी बॉडी की जितनी स्ट्रेंथ हो आप 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड तक करेंगे, और जहां आपको लगने लगे मैं थकान कर रहा हूं वहां पे रिलैक्स कर लें, छोड़ लें, धीरे धीरे बढ़ाएं राउंड्स, कोई जल्दीबाजी ना करें, आराम से प्रोसेस करेंगे। देख लें कैसे पूरा सांस भरेंगे, पूरा सर्किल घूमेगा ऐसे, इसको विपरीत करेंगे, ऊपर जाते हैं सांस भरेंगे, नीचे जाते हैं सांस को रिलीज करेंगे। ये आपने एक एक्सरसाइज हुई कंधों की। दूसरी एक्सरसाइज आपने गर्दन की करनी है, गर्दन में सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पहला स्टेप में। इसके भी आपने 10 बार पीछे और 10 बार आगे ले जाना है। फिर सेकंड स्टेप में आपने गर्दन को साइड में ले जाना है, इसको भी आपने 10 बार करना है, श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में, फिर श्वास भरते हुए साइड में, कंधे नहीं उठाने हैं आपने, कान को कंधों से टच करने का प्रयास करना है, स्टार्टिंग में नहीं हो पाएंगे, 10 बार एक साइड ले जाएंगे 10 बार दूसरी साइड, उसके भी आप 2, 3, 4, 5 राउंड कर लें जितना आपको बिजी रहे, धीरे धीरे अपने राउंड की कैपेसिटी बढ़ाएं, 1 राउंड 2 राउंड 1 राउंड में आपने 10-10 बार करना है। फिर थर्ड इसके अंदर आपकी प्रोसेस होगी गर्दन को बाएं दाएं ले जाना है, सांस लेगा धीरे धीरे गर्दन को बाएं ले गए, वापिस लाए सांस छोड़ते, फिर इधर ले गए, फिर वापिस लाए, देखें कैसे आंखें बंद करके ही करेंगे प्रोसेस, सांस छोड़ते हुए वापिस लाए, बहुत धीरे धीरे ले जाएंगे और पूरी धीरे से पूरी ज्यादा से ज्यादा घुमाने का कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन कोशिश करेंगे जहां तक आप इजीली खींच पाए साइड में उतना ले जाएंगे। ये भी आपने 10-10 बार करना है, दोनों साइड 10-10 बार ले जाएंगे, उसके पश्चात अपने 10 का 1 राउंड हो जाएगा, उसके बाद 2-3 राउंड जितना आप कर पाए, उसके पश्चात आपने सर्कुलर मोशन करनी है गर्दन की, सर्कुलर मोशन बहुत स्लो स्लो करेंगे, कैसे करेंगे पूरा सर्कल होगा, नीचे आपकी थोड़ी कंठपुक से टच होते जाएगी, साइडों में पूरा घूमेंगे और पीछे भी पूरा ले जाएंगे, 1 राउंड में ये भी 10 बार करेंगे,
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी साइड से करेंगे ऐसे ही बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं, ज्यादा तेजी से नहीं करते हैं। स्पीड आपकी तब बढ़ती है जब आपको प्रैक्टिस होने लगती है। प्रारंभ में आप बिल्कुल नहीं करेंगे, गर्दन की नसों में खिंचाव आ जाए तो नुकसान हो जाएगा, गर्दन में पेन होने लगे, जहां आपको लगने लगे मेरी कैप्स की बॉडी खत्म हो रही है वहीं पर आप रिलैक्स कर लें। धीरे धीरे अपनी प्रोसेस को बढ़ाएंगे, एक दिन में कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। जब आपकी गर्दन की एक्सरसाइज है तो हल्की हथेली को आप ढीले हाथ करेंगे और धीरे धीरे ऐसे ऐसे हल्का सा गर्दन की सिकाई कर लेंगे, मालिश कर लेंगे, बहुत मामूली, कोई गर्दन को जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, जब गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप आंखें बंद रखेंगे, नहीं तो चक्कर आने का खतरा हो जाता है, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। ये आपकी दो एक्सरसाइज हो गई, कंधों की आपकी हो गई, गर्दन की हो गई, आंखों की एक्सरसाइज करेंगे जो सबसे मेन पॉइंट है। आंखों की एक्सरसाइज करने में सबसे पहले आपने काम करना है 50 बार आपने आंखें खोलनी है पूरी ताकत के साथ, 50 बार बंद करनी है ऐसे, पूरी पुतलियां फैलाएंगे, पूरी पुतलियां बंद करेंगे, तेजी के साथ खोलेंगे बंद करेंगे पूरी ताकत के साथ। पहले बार में आप 50 बार नहीं कर पाते, 10 बार 20 बार कर ले, जितनी बार खोल कर पाए बंद कर पाए उतना ही अच्छा है, ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ये जो आंखों की एक्सरसाइज है आपको इससे एक और फायदा हो सकता है, यदि आपको कभी रात को नींद ना आ रही है, छोटा सा टिप दे रहा हूं मैं इससे एक्स्ट्रा, यदि आपको कभी रात को नींद नहीं आ रही है तो आप ऐसे ही 10 बार 20 बार लेटे लेटे ही अपनी आंखों को खोलेंगे बंद करेंगे तो आंखों की मसल्स थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी, आंखों की मसल्स थोड़ा सा थक जाएंगी, फील करेंगे कि थकान हो गई आंखों की मसल्स को जब लगातार खोलेंगे बंद करेंगे, तो आपको उसको रिलैक्स मांगने लेंगे, रिलैक्स मांगने लेंगे तो आप आंखें बंद करेंगे और इजीली आपको नींद आ जाएगी जल्दी से। ये रात को नींद लाने के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। फिलहाल आपको मैं आपकी आंखों का चश्मा उतार के फेंकने के लिए बता रहा हूं, 50 बार आंखें खोलेंगे बंद करेंगे, 50 बार आंखें खोलने देखने बंद करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने पुतलियों से छत को देखना है, जमीन को देखना है, आसमान को देखना है, जमीन को देखना है, बार बार पुतली चलाएंगे, गर्दन नहीं चलाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, सिर्फ पुतलियां करनी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, छत भी दिखनी चाहिए आपको, आसमान भी दिखना चाहिए आपको, जमीन भी दिखनी चाहिए, खुले में करें तो आसमान दिखेगा, छत के नीचे करें तो छत दिखेगी। आपने 10 बार ऊपर देखना है, 10 बार नीचे देखना है, 10 बार ऊपर देखना है, 10 बार नीचे देखना है, 10 बार ऊपर देखना है, 10 बार नीचे देखना है, पुतलियों से देखना है, कोई गर्दन की मूवमेंट नहीं। अब आप साइड में देखेंगे, बार बाई बार तरफ देखेंगे, दाई तरफ देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे, पुतलियों से देखना है, गर्दन का कोई यूज नहीं है इसके अंदर। बहुत लोग गर्दन साथ साथ चलाने लगते हैं, गर्दन को बिल्कुल पकड़ के रखना है, गर्दन घूमने लगे जबरदस्ती इसको ऐसे होल्ड कर लें, फिर चलाएं, ऐसे ऐसे नहीं चलाना है, सिंपल पुतलियां चलानी है। 10 बार लेफ्ट साइड, 10 बार राइट साइड, 10 बार लेफ्ट साइड, 10 बार राइट साइड। ये आप करने के बाद इसके भी 2-3 राउंड करेंगे, धीरे धीरे राउंड की कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे, फिर आपने सर्कुलर मोशन में घुमाना है। सर्कुलर मोशन में पुतलियां घूमती है, आपको छत भी दिखेगी, जमीन भी दिखेगी, साइड भी दिखेगी, बाएं भी दिखेगा, दाएं भी दिखेगा, फुल पूरा सर्कल घूमेगा। लेफ्ट में घूमने के बाद आपको इसको राइट में घुमाना है 10 बार। इसके भी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से राउंड बढ़ाते जाएंगे, एक राउंड में 10 बार मिनिमम करना होता है। जितनी जल्दी आपको फायदा लेना है उतना आप इस टाइम कंज्यूम करेंगे उतना इसके ऊपर। लेफ्ट राइट हो गया, अब पूरी तरीके से समझ गए हैं, आपकी आज की प्रोसेस पूरी हो गई। अपने कंधे की एक्सरसाइज करनी है, गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, आंखों की एक्सरसाइज करनी है। अब खाने के लिए समझ गए, विटामिन ए रिसोर्स लेना है और आंवले का प्रयोग मैंने बता दिया, आप डेफिनेटली शुरू कर लें। आंखों को अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो भी आप आंवले का प्रयोग शुरू कर लें, बहुत अच्छी चीज है, बहुत फायदा देता है बॉडी की पूरी फिजिकल एक्टिविटीज को, फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है और बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, आपके बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, सब उसको आंवले को, आंवला उसको रिमूव कर देता है। उसके पश्चात आपको दो छोटी सी बातें और बताना चाहता हूं मैं आपको,
जो आप सुबह उठते हैं सबसे पहले बिना कुल्ला किए, जो आपकी लार होती है आंखों में रात भर में जमा हुई, तो उसको हल्का सा निकाले और आंखों में लगा लें, जैसे सुरमा लगा लेते हैं, वो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। ये ऐसा वरदान है आपको आपकी बॉडी का, ऐसी दवाई है आपको, एंटीबायोटिक एंटी एलर्जी, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस आंखों की लार को निकले हुए आप अपनी आंखों में लगा सकते हैं, ये आपकी आंखों की रोशनी बहुत बढ़ाने में मदद करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पूरी प्रोसेस समझ गए, आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, आपका चश्मा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आप 15 दिन से 30 दिन इस प्रोसेस के ऊपर दे दें, आपकी चश्मे की जरूरत नहीं रहेगी, आप बिल्कुल चमत्कारिक रूप से अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा पाएंगे। आज के लिए काफी है दोस्तों, अगर लाइक करें मेरे वीडियो को तो बहुत अच्छा रहेगा, शेयर करें इस वीडियो को जब आपको फायदा होने लगे, ताकि आपके सभी मित्रों रिश्तेदारों रिलेटिव्स परिचितों सबका फायदा हो। और मेरे चैनल का नाम योग और निरोग, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कॉर्नर में रेड बटन आता है उसके ऊपर क्लिक कर लें। तो आज के लिए काफी दोस्तों, हैव ए नाइस डे, रोज करें योग, बिल्कुल हो जाए निरोग। जय हिंद, जय भारत।